अनुग्रह चर्च में कॉल करके प्रार्थना करवाएं व अपने लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व दूसरों को भी शेयर करें। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हल्लेलुया, विश्व मसीह के नाम की महिमा। लिखा है हे सियोन बहुत ही मगन हो, क्या हो? बहुत ही मगन हो, बहुत ही आनंदित हो, बहुत ही उत्साहित हो। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर ने क्या किया? पहले तो पृथ्वी पर जन्म लिया। उस एरिया में प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं जहां के लिए बहुत सारी भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणी की। और वहां पे क्या लिखा है? हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हल्लेलुया, ये एक चिन्ह था, एक भविष्यवाणी थी कि मसीह का जो जन्म होगा बैतलहम में होगा। सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पूरी की, बैतलहम में उनका जन्म हो गया। वो इजिप्ट से बुलाए जाएंगे, वो बुलाए गए इजिप्ट से, वो भी हो गया। मसीह आएंगे, अंधी गूंगी दुष्टात्मा को निकाल पाएंगे, वो भी यीशु मसीह ने कर दिया। मसीह आएंगे, कोढ़ियों को शुद्ध करेंगे। पुराने नियम में क्या होता था? एकता दुख का कोई कोड़ी होता था तो उसको भविष्य देवता ठीक कर दिया करते थे, लेकिन लाइन लगा कि कोड़ी ठीक हो रहे हैं। वहां पे एक दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि 10 कोड़ी यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ने कहा जाओ याजक को दिखाओ। उन्होंने कहा हे यीशु मसीह, हम जानते हैं आप हमें शुद्ध कर सकते हो, क्योंकि कईयों को पहले से शुद्ध कर चुके हैं, कई कोड़ियों को यीशु मसीह पहले से शुद्ध कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं, स्वस्थ कर चुके हैं। अब ये 10 कोड़ी और आ गए। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह आप हमें चंगा कर सकते हो। उन्होंने कहा जाओ अपने को याजक को चेक करा लो। याजक को चेक कराने की भविष्यवाणी ये थी कि उन पर गवाही ठहरती। क्यों? क्योंकि 10 कोड़ी एक साथ गए और वो शुद्ध हो गए, और याजक को पता है कि ये वही भीख मांगने वाले वही लोग हैं जो मंदिर के आसपास अलग अलग जगहों पे भीख मांगा करते थे, क्योंकि कोढ़ होने के कारण कई और काम नहीं कर सकते, कोड़ी होने के कारण कई और काम नहीं कर सकते। और वहां पर जो है याजक और जितने भी और लोग हैं, मंडलियां हैं, वो उनको जानती है कि भीख मांगा करते हैं मंदिर के पास बैठ के। अल्लाह जाओ जाकर याजक को दिखाओ। वो शुद्ध हो गए, याजक के पास वो गवाही ठहर गई, उसको गवाही पता चल गई कि मसीह आएगा और इतने ग्राउंड के जो है कोड़ियों को शुद्ध करेगा। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं नामान कोड़ी जो है एलिशा भविष्यद्वक्ता के पास गए, किसी और कंट्री से आके एलिशा भविष्यद्वक्ता के पास आके एलिशा भविष्यद्वक्ता ने कहा जा और जाकर यरदन नदी में 60 डुबकी लगा ले तो शुद्ध हो जाएगा। वो एक इंसिडेंट था, मतलब माइनर छोटे इंसिडेंट थे, लेकिन यहाँ पे क्राउड के ग्राउंड आके जो है कोड़ी शुद्ध हो ले, ये क्या है? एक गवाही है। पहले गूंगी दुष्टात्मा निकल रही है, अंधी दुष्टात्मा ठीक हो रही है, मसीह आएगा और लोगों को जिंदा करेगा। कई ऐसे जो है हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं जो यीशु मसीह ने लोगों को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया जो 4 दिन जिसको हो चुके थे मेरे भाई, 4 दिन बाद जिंदा क्यों किया जबकि वो तो यीशु मसीह का प्रियजन था? 4 दिन बाद इसलिए जिंदा किया, यहूदी को एक अंधविश्वास था कि जो आत्मा है वो भटक के 3 दिन तक, और वहां पर जो है यीशु मसीह ने उनके अंधविश्वास को प्रूव कर दिया कि अंधविश्वास है। 4 दिन बाद जिंदा किया, और 4 दिन में पता आपको बॉडी की हालत क्या हो जाती है? सड़ने लगती है। 4-6 घंटे अगर डेड हो जाए कोई बंदा तो उसके पहले बॉडी ठंडी हो गई, उसके बाद स्मेल आनी शुरू होती है, जैसे चूहे में स्मेल आती है, कितने सूंघी है, वैसे कुछ टाइम बाद मनुष्य की बॉडी में भी वैसी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है 6 घंटे बाद। फिर 1 दिन बाद क्या हो जाएगा उसका हाल? और वहां पे वो 4 दिन उससे कीड़े पड़ के जो है खा जाते हैं शरीर, जो है पूरा हड्डियां तक वो सफाचट कर देते कीड़े 4 दिन में। एक जो कब्र में जो है एक लाश रखी गई जो 4 दिन से सड़ के कीड़े भी खा गए और वो बिल्कुल खत्म होगी, वहां पे यीशु मसीह आके क्या कह रहे हैं? लाजर बाहर आ, बस सारा प्रोसेस उसी में आ गया, सारे लहू मांस मांसपेशियां स्किन है ना, जितने भी और हैं बॉडी के जितने पोर्स हैं सारा अंग द्वारा बन गया, आत्मा द्वारा से स्वर्ग से वापिस आई, हार्ट जो द्वारा से पंप करने लगा, ब्लड फ्लो करने लगा, ऐसे ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ऐसे लेफ्ट से जाके ऐसे राइट ऐसे फ्लो करता है ब्लड, उधर फ्लो करने लगा और वो लाजर जो है जिंदा होके बाहर आ गया। यीशु मसीह ने कहा इसके कपड़े जो है जो लिपटे हुए इसको आजाद कर दो, इसको खोल दो। तो यीशु मसीह के नाम की महिमा। हल्लेलुया। और बहुत सारे सेम टाइम के लोग जो मर गए थे
याइर की बेटी को जिंदा किया। और बहुत सारे इंसिडेंट है, आप पढ़ते जाओ, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने जिंदा किया। उन्होंने कहा तुम यीशु मसीह को क्यों मानते हो, वो तो खुद ही क्रूस पर चढ़ के जो है अपने आप को नहीं बचा रहे। मैंने कहा पूरा पढ़ लो, अपने आप को उनके पास अधिकार था, वो अपने आप को उन्होंने बचा भी लिया और 40 दिन तेजों में शरीर में पृथ्वी पर उन्होंने समय को बिताया है अल्लाह। और फिर उनको मैंने कहा लोग पढ़ो यीशु मसीह ने कितने सारे लोगों को जिंदा किया। मैंने बहुत फिर देखा गौरव ब्रदर उन्होंने यीशु मसीह के नाम की। फिर हमारी डिबेट चलती थी कि बाइबल में सारे आंसर है और हमारे फादर से ज्यादा डिबेट चलती थी। तो एक बारी जो है जैसे हजमदार करते हैं तो गौरव ब्रदर के साथ एक बारी डैडी बैठे हुए थे हमारे फादर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने मजाक मजाक में जैसे कहते अच्छा चल इसी का जवाब दे दो कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। तो गौरव भाई ने कहा लोग उत्पत्ति बोलो, उसमें लिखा है परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया। तो आंसर मिल गया पक्षी आ गए अल्लाह यीशु मसीह के नाम की कलमा। उन्होंने इस तरह बोला आकाश के पक्षी जो उड़ते हैं वो हो जाए, एग्जिस्ट हो जाए, वो हो गए। सारे आंसर बाइबल में आ गए अल्लाह। वो क्या है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह देहधारी हुए इस पृथ्वी पर अल्लाह। उन्होंने समय को व्यतीत किया और अब जो है उन्होंने 30 वर्ष की आयु में बैप्टिज्म लिया, उसके बाद 3.5 वर्ष उन्होंने सेवा कर ली। अब 3.5 वर्ष उन्होंने सेवा कंप्लीट कर ली अल्लाह। उसके बाद जो है वो यरूशलेम आ रहे, और यरूशलेम जब आ रहे तो ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई जो यकर आया 9:9 में लिखी है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो। ये वो दिन आ गया है, क्यों, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरम गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणी भी यीशु मसीह ने पूरी कर दी। वहां पे जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, सब लोगों को प्रूव हो गया था कि ये मसीह है अल्लाह। और वो यरूशलेम में जब एंटर कर रहे हैं तो वहां पे क्या लोगों ने अपनी जो हम खजूर की जो डालियां आज लेकर आए हैं इस बात को याद करने के लिए, लोगों ने उनका स्वागत किया अल्लाह, उनका स्वागत किया, टहनियां बिछा बिछा के, अपने कपड़ों को बिछा बिछा कर, अपने बेडशीट्स को बिछा बिछा कर, अपने कारपेट्स को बिछा बिछा के यीशु मसीह ये जो है रास्ता उनको रास्ते को तैयार किया। क्यों, क्योंकि वो राजा है, वो राजाओं के राजा परमेश्वर है। उनका स्वागत किया गया यीशु मसीह के नाम की महिमा। और उसके बाद जो है जब यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए तो वहां पे उन्होंने उनको यरूशलेम में जब वो उन्होंने बॉन्ड्स को देखा, यरूशलेम के जो बाउंड्रीज थे उसको देखकर यीशु मसीह बहुत दुखित हो गए और उन्होंने कहा कि वहां के लोगों के बारे में कहा, याजकों के बारे में, जो मेजोरिटी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। अभी लिखा है यीशु मसीह अपने ही लोगों के बीच में आए जिन्हें व्यवस्था दी गई थी, यहूदियों को व्यवस्था दी गई थी। जो क्रिश्चियनिटी है वो यहूदी धर्म की जो है पूर्णता है, यहूदी धर्म जो अब्राहम से चलते हुए, अब्राहम इसहाक याकूब फिर याकूब के 12 गोत्र ऐसे चलते होते जो है होते होते यीशु मसीह के क्रूस के कालवरी क्रूस के अगले दिन से क्रिश्चियनिटी का जो है महत्व शुरू होता है अल्लाह। और जो क्रिश्चियनिटी है वो यहूदी धर्म की जो है उसको जो है कंप्लीट करना है, उस धर्म को जो है संपूर्ण करना है। आपने ग्रेजुएशन की मान लीजिए, ग्रेजुएशन में जो है आपका 3rd ईयर आ गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने कर लिया, अब 3rd ईयर आ गया, 3rd ईयर में आपका कोर्स हल्का सा चेंज हो गया, कितने से समझ रहे हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना आपको डिग्री नहीं मिल सकती। क्रिश्चियनिटी वैसी है, शाऊल राजा ने 40 वर्ष जो है राज्य के अभिषेक पाने के बाद अल्लाह, दाऊद राजा ने 40 साल जो है राज्य किया अभिषेक पाने के बाद, सुलेमान राजा ने 40 वर्ष जो है राज्य किया। तो जहाँ 40 आप देखते हैं तो वहां पे क्या कंप्लीशन आता है, कंप्लीशन परमेश्वर की ओर से होने का एक साइन है। 39 किताबें जो पुराने नियम की हैं अल्लाह, मलाकी लास्ट बुक है, और उसको नए नियम को मिलाकर जो है वो 40 कंप्लीट होता है। वैसे 66 बुक्स बोली जाती है लेकिन नए नियम की पुस्तकें मिलाकर वो 40 कंप्लीट होता है। कितने जन समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है धार्मिकता को जो है खंडन करने नहीं आए, धार्मिकता को पूरा करने आए, धार्मिकता को पूरा करने आए। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन नहीं है, ये हृदय परिवर्तन है। धर्म बदल बदल के स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन अपने दिलों को मनों को फिराकर जो है स्वर्ग जा सकता है, पापों से मन फिराना। वो तो उस चीज के लिए यीशु मसीह आए हल्लिया, और वही उन्हीं चीजों को जो यीशु मसीह ने प्रचार भी किया। और वहां पर जो अपने ही लोगों ने, यहूदियों ने, याजकों ने, महायाजकों ने
विश्वास नहीं किया। तो वहां पर यीशु मसीह ने एक प्रोफेसी की कि तूने जो है अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। हल्लेलुया, तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। पढ़ेंगे लूका 19 अध्याय 41-42। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। हल्लेलुया, विश्व मसीह के नाम की महिमा। हल्लेलुया, वो आंख क्या ऐसा पर्दा पड़ गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है उनके बीच में आए और उन्होंने जो है उनको नहीं पहचाना। ये बातें आज के दिनों में भी हो रही है। वचन में लिखा है, जिनकी आंखें वो, जिनके कान है वो सुन ले। हल्लेलुया, सबने देखा, एचआईवी एड्स के लोग ठीक हो रहे हैं। अलग अलग 11,000 अलग अलग नंबर है, 11,000 सिर्फ नंबर है जो प्रेम कराने के लिए बोल रहे हैं। पिछले 5 साल की, मैं उससे पहले की नहीं बता रहा, पिछले 5 साल की लगभग की करीब करीब 11,500 कॉल न्यू नंबर्स। उन सबने देखा एचआईवी एड्स के लोग ठीक हुए हैं, है ना। मार्दी सिस्टर का है आदिलादो, ये देखो यहाँ पे बैठी है मार्दी सिस्टर जिनका एचआईवी एड्स ठीक हुए। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी बिहार से जो है किसी को, जो हस्बैंड वाइफ जो आते थे उनको जो एचआईवी एड्स था, क्या बोला मैंने, एचआईवी एड्स था। और वो अभी कुछ दिन पहले जो है व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि पास्टर जी सुसाइड करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि अब कैसे जिए इस बीमारी के साथ, इतनी दूर आया भी नहीं जाता बार बार। महीने में उनको बोला था कि आप महीने में एक बार ही आ जाओ, आपके लिए प्रेयर करेंगे। वो आए 5-6 बार उन्होंने विजिट किया, अपने छोटे बच्चे को लेकर आते थे। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है लेकिन कोई आज दिखी, उन्होंने ये दवाइयाँ देखी हुई है कि एचआईवी एड्स के लोग ठीक हो गए हैं। मैं उनको बोला आप स्पेशल सीट बोलो। एक व्यक्ति जाता है दुकान पे, जाता है कहता है मुझे रस्सी दे दो। क्या दे दो? रस्सी दे दो। उन्होंने कहा ठीक है 2 रुपए की रस्सी है, ठीक है 2 रुपए की रस्सी है। कहते 1.5 रुपए की लगा दो। कहते करना क्या? कहते फांसी लगा के मरना है। क्या करना है? फांसी लगा के मरना है। तो फांसी लगा के मरना है तो भी 50 पैसे कम करा दें। कितने दिन समझ रहे इस बात को? मैंने कहा कि चल ठीक है तुम ले लो। एक बात बताओ लेकिन कि जब कोई व्यक्ति मरने ही वाला है तो उसके लिए 50 पैसे, मतलब जितना भी पैसा आपके पास है, चाहे करोड़ों रुपया, चाहे अरबों रुपया है, जितना भी है, चाहे पृथ्वी का सारा ट्रेजर आपके पास है, अगर मरना ही है तो वो पैसा किस काम का है बताइए, किस काम का? तो मैंने कहा ठीक है आप एक काम करो स्पेशल सीट बोलो। 2 मार्च को स्पेशल सीट कोई 18 मार्च आते थे उनके लिए, जो सिर्फ लिखा गया, सिर्फ व्हाट्सएप लिखा गया आप बीमारी तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएगी। अल्ली प्रार्थना तो पहले भी हो चुकी है, प्रोफेसी होगी। 23 मार्च को उन्होंने टेस्ट कराया, पहला टेस्ट कराया नेगेटिव, दूसरा टेस्ट कराया नेगेटिव, तीसरा टेस्ट कराया पति पत्नी दोनों का। पति पत्नी दोनों का टेस्ट जो है नेगेटिव आया। मैंने कहा रिपोर्ट भेजो फ्रेंड से, रिपोर्ट भेजी। हल्लेलुया, प्रभु मसीह के नाम की। लोगों ने देखा, देखा और सुना, है ना। जब स्टेटस पे लगाया गया, रिपोर्ट्स भी लगाई गई उनकी और उसमें एक्सप्लेन भी कर दिया कि बिहार से आते हैं पति पत्नी और एचआईवी एड्स इनका ठीक हो गया प्रभु मसीह के नाम से, स्पेशल सीट हुई उन्होंने। हल्लेलुया, तो जो आप परमेश्वर के लिए बोगे वो आप पाओगे। 30 गुना 60 गुना 100 गुना तो इस पृथ्वी में मिलेगा ही और अनंत काल के जीवन में अनंत काल की ब्लेसिंग्स के साथ मिलेगा। हल्लेलुया, लोगों ने देखा कि एचआईवी एड्स के लोग ठीक हो रहे हैं, कैंसर के लास्ट स्टेज के लोग कितने हैं, सैकड़ों हैं। आप यूट्यूब अनुग्रह चैनल दिल्ली उठा के देख लो कितनी सैकड़ों गवाहियां मिल जाएंगी कैंसर की। कैंसर के अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर उसने प्रोसेस पूरा फॉलो कर लिया तो ठीक हो ही जाएगा, गारंटी ठीक हो जाएगा। 3-4 महीने में उसको बोलते हैं कि 3-4 महीने आप रेगुलर गाइडेंस को मान लो, जैसे बताया जाए गारंटीड ये बीमारी जड़ से पड़ के भाग जाए। देखा लोगों ने, सुना, लेकिन कहाँ है इतने सारे लोग ठीक हो गए? कहाँ है? 11,000 लोगों के लिए प्रेयर की है, 11,000 नए सिर्फ नंबर्स है, नए नंबर्स जिसमें आपके नंबर्स भी हैं। कहाँ है वो सब लोग? और उस समय जो यीशु मसीह ने जो बड़े बड़े काम किए, लोगों को जिंदा किया, लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया, क्यों नहीं विश्वास किया यहूदियों ने? जिनको व्यवस्था दी गई थी उन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया? हल्लेलुया, इसमें लिखा है जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तो तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। वे तेरी आंखों से छिप गई है, वो बातें छिप गई हैं जो परमेश्वर उनको दिखाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। वचन में लिखा है
कोई मनुष्य जो है जब जो चीज देखनी चाहिए वो नहीं देख पाता, या कोई चीज ऐसी होती है जो सुन नहीं पाता, स्पिरिचुअल बातें तब नहीं कर पाता जब उसके काम बुरे होते हैं, जब वो पाप में होता है, जब वो गलत बातों में होता है, व्यभिचार में होता है, जब वो नशों में होता है, उसको नहीं दिखाई देती, उसको पैसा दिखाई देता है कि मैं पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं, या मैं व्यभिचार कर लूं या गलत काम कर लूं। अगर कोई डबल शिफ्ट कर रहा है, 24 घंटे होते हैं ना, उसका एक परमिशन, एक सिस्टम सिस्टम बनाया है, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे फैमिली में रहो, 8 घंटे सो लो, रेस्ट कर लो, ये परमिशन एक सिस्टम बना के हमें दिया है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, 5-6 घंटे सो जाते हैं और 16 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और फैमिली के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ 20,000 रुपये की, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 50,000 की नौकरी है, और डबल शिफ्ट करके वो 1,00,000 महीना कमा लेते, तो किस काम का है? जब ना फैमिली को वो यूज आ रहा है, ना परमेश्वर को टाइम दे रहा है, ना अपने आप को टाइम दे रहा है, तो वो पैसा किस काम का है? नोट छापने की मशीन बन के रह गए लोग, कुछ लोग, क्यों? क्योंकि वो देख नहीं पा रहे, वो उस बात को नहीं देख पा रहे, उस बात को नहीं देख पा रहे। अगर आप परमेश्वर को टाइम नहीं दे रहे हो, परमेश्वर को आपको पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर पैसा तो आप जो भोगे वो आपकी ब्लेसिंग के लिए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना, परमेश्वर को आपका टाइम चाहिए, आपका समय चाहिए, ताकि वो आपको ब्लेस कर पाए, ताकि आपको वचन से भर पाए, आपके जीवन में धार जाए, जड़ पकड़े, आप नाश ना हो जाओ। हल्लेलुया। और यहाँ पर याजकों ने, यहूदियों ने, जिनको व्यवस्था पता थी, जिनको दी गई थी, उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, बल्कि उन पर आरोप लगाए, आरोप लगा के जो है क्रूस पर चढ़ाने के लिए जो है पिलातुस गवर्नर को जो है उकसाया और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। हल्लेलुया। यीशु मसीह के नाम की ये सारी भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के यरूशलेम आने के बारे में, वो भी सारी पहले से दी गई, पहले से ऑलरेडी थी वो सारी भविष्यवाणी। हल्लेलुया। हजारों भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के बारे में, हम तो कुछ ही जानते हैं, 1% भी जान ले तो बहुत बड़ी बात है। अगर 1% भी हम समझ ले वो भविष्यवाणी को, तो हमारा उद्धार कायम रहेगा। हल्लेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हल्लेलुया। निकालेंगे यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय, जॉन चैप्टर 12 वर्स 13। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की क्या लिखा यूहन्ना 12 अध्याय 13 में, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के नाम से, यानी कि परमेश्वर के नाम से, यहोवा परमेश्वर के नाम से जो आता है। हल्लेलुया। उन्होंने क्यों गाया होशना? क्योंकि उनको कंफर्म हो गया था, उनको कंफर्म था, वो किसी और के लिए होशना नहीं बोल सकते थे कि आप हमें बचा ले, उनको कंफर्म हो गया था कि मसीह है। किनको किनको कंफर्म हो गया था? जिनके काम बुरे नहीं थे, जो जिनकी आत्मिक आंखें खुल गई थी, जिनकी आत्मिक आंखें खुल गई थी अद्भुत कामों को देखकर, अद्भुत चमत्कारों को देखकर। हल्लेलुया। कौन सा ऐसा केस है बता दीजिए जो नहीं ठीक हो सकता है यहाँ पे, वो उनको ले आइए, फिर ठीक हो जाएगा। कौन सा ऐसा केस है जो नहीं ठीक हो सकता है, आपको लगता है ये तो हो नहीं सकता, उसको आप चर्च में लाइए, ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ सबको। यहाँ पे एक बच्चा आता था, एक फैमिली आती थी बिहार से, उस बच्चे में ऐसे जो है रीढ़ की हड्डी थी ही नहीं उसकी, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। हल्लेलुया। ये 3 साल पहले की बात है। उस बच्चे का नाम था रोशन, रोशन। इसके जो फादर है वो चाट पापड़ी का काम करते थे, गोलगप्पे चाट पापड़ी। हल्लेलुया। और उस बच्चे को जब वो उसकी मदर लाती थी, तो जैसे हम कपड़ा देना, ये रहा, ये जैसे ये कपड़ा है, इसको जैसे पोलियो को आप टांगते हो, आप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये आपने टांगा तो ऐसे बच्चा ऐसे लुढ़क जाया करता था, पीछे उल्टा सीधा जैसे मर्जी कर लो उसकी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी नहीं थी, माँ उसको ऐसे पकड़ती तो ऐसे हो जाया करता था। भैया कितने से समझ रहे इस बात को? जैसे उन्होंने पकड़ा ऐसे करके लगा लिया तो ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद बच्चा ऐसे हो जाया करता था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी नहीं थी, रबड़ था, रबड़ जैसा कुछ जैसे होता ना वैसे कुछ था, बस स्ट्रक्चर को पकड़ा हुआ था। हल्लेलुया। करीब 12 या 13 साल का बच्चा था वो। हल्लेलुया। जब वो प्रेम में आने लगे, उसकी रीढ़ की हड्डी बनने लगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके बाद जो है वचन, जब वो बैठने लगा, कुछ कुछ हफ्ते की प्रेयर के बाद वो बैठने लगा बच्चा, 13 साल का बच्चा लगभग हो गया, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, बहुत पतला सा बच्चा, कोई ग्रोथ नहीं, वो बच्चा बैठने लगा। छोटे भवन की बात बता रहे, जहाँ हम 55 गज में बैठते आराधना करते थे। और उसके बाद जो है
वचन के बीच में जो है उसमें पता नहीं परमेश्वर ने क्या छुआ उसको, वो बच्चा खड़ा हो गया अपना, बच्चा खड़ा हो गया और कुछ प्रार्थना के बाद वो चलने लगा। ये वीडियो जो है ऑनलाइन यूट्यूब पे डाली हुई है, इसकी वीडियो हमने बच्चे की डाली हुई है। विष्णु सिंह के नाम की कौन सी ऐसी बात है जो नहीं हो सकती थी? क्या पैरालाइज लोग ठीक नहीं हो सकते? पास्टर लीजा के फादर जो एडवोकेट रहे हैं, जिनके इनको जो 2011 में लगभग किसी ने क्या किया था, जाड़ टूटा करा के मुर्गे की गर्दन काट के इनके जो हरिद्वार वाली जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये रहते थे वहां पे मुर्गे को काट के वहां पे फेंक दिया अल्लिया। और बिल्ली छोड़ती है क्या वो ऐसी चीजें? वो नहीं छोड़ती, लेकिन वो पूरी रात पड़ा रहा, उसका ब्लड सूखा भी नहीं। किसी ने देखा अरे क्या है, ब्लड भी नहीं सूखा उसका, कोई ऐसा जाड़ टूटा कराया। उसके बाद जो है इनके फादर पैरालाइज होना शुरू हो गए, किसी ने कुछ करवाया था। हल्लिया उसके बाद जो है जो एडवोकेट जो 1.5 लाख रुपए महीना का कमा रहा है, अब क्या हुआ वो जो है इनका मानी बंद, क्योंकि पैरालाइज हो गए बेड पे आ गए। अब उल्टा खर्च होने लगा 1.5 लाख रुपए महीना ट्रीटमेंट पे खर्च होने लगा, किसी तरीके से ठीक हो जाए। पास्टर लीजा के CA की पढ़ाई वो रुक गई, फीस नहीं दे पाया आगे। इनके एक छोटा भाई 3 साल छोटा है आकिब उसका नाम, क्योंकि मुस्लिम फैमिली से है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपना कर रहा था, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि फादर अब जो है अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो उसकी फीस भी होल्ड होगी, वो भी दोनों। अब 5-6 साल जो है वो जो है उनके फादर जो है पैरालाइज रहे, तो अब सब रिश्तेदार क्या बोलने लगे, अब तो कोई चमत्कार इनको बचा सकता है, अब तो कोई चमत्कार ही इनको बचा सकता है। बाइबल में लिखा है जो याकूब का घराना है, कहते हैं ध्यान से सुनते हैं, जो याकूब का घराना है यानी कि अब्राहम इसहाक और याकूब, और याकूब के कितने हो गए 12 लड़के, वो 12 गोत्र हो गए। परमेश्वर की ये एक ब्लेसिंग है कि इन पर कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा, और यीशु मसीह को मानने वालों पर भी ये अप्लाई होता है। यीशु मसीह को मानने वाले हम जब यूहन्ना पढ़ते पहला गए उसमें लिखा है हमारी घर में जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला, अधिकार मिल गया आपको, आप विश्वास करेंगे तो, आपने जैसा विश्वास किया वैसा आपके लिए हो जाएगा। पायल सिस्टर ने विनिद्या के परिवार ने क्या किया, जब आउटरीच में जाके जो है बच्चे जाते थे तो वो पैम्फलेट्स बांटते थे, क्या बांटते थे, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन भी जो है ज्यादा अच्छी नहीं थी, और जब उन्होंने आउटरीच पर जो है गए और वहां पर पैम्फलेट को जैसे पकड़ा सेम डे इनको 35,000 रुपए की मिरेकल मनी इनके अकाउंट में। ये पैम्फलेट है, ऐसे पैम्फलेट जो दिए जाते हैं इन्होंने पकड़े और सेम डे या अगले दिन इनको मिरेकल मनी इनके अकाउंट में आई। इस बात को 3 साल हो चुके हैं 35,000 रुपए। ये वाला पैम्फलेट इन्होंने रखा हुआ है, देखो ये पहले बटते थे, जो पायल सिस्टर आज गवाही में भी बताया कि 35,000 रुपए की मिरेकल मनी इनके अकाउंट में। क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है, वो दे देते हैं। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो मिरेकल मनी उनके अकाउंट में आ गई, और आज तक किसी ने पूछा नहीं कि हमारे पैसे दे दो। हल्लेलुया, यीशु मसीह के नाम की वो मिरेकल मनी उनके अकाउंट में आई। हल्लेलुया, जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर बहुत सारे काम आपके जीवन में करते हैं। उसके बाद जो है फिर पास्टर लीजा की मैं गवाही बता रहा था, उनको जो है अब इनके गहने बिक गए, प्रॉपर्टीज बिक गई, इनकी मम्मी ने जो है गोल्ड ज्वेलरीज अपनी बेच दी, करीब 50-60 लाख रुपए इनके खर्च हुए होंगे। तब हल्लेलुया, फिर किसी ने बताया कि आप चर्च में प्रार्थना कराओ प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिसकी आंखें खुली हुई थी उसने गवाही दी। फिर भी हंस रहे हैं क्या, आपकी आत्मिक आंखें खुल चुकी है या नहीं? अपने 5 पुरुषों को पहले बोलो अपनी आत्मिक आंखें खोल और परमेश्वर के लिए सेवा के लिए इस्तेमाल हो, अपनी आत्मिक आंखें खोल और परमेश्वर की बड़ी सेवा के लिए इस्तेमाल हो, अपनी आत्मिक आंखें खोल गौरव भाई गिटार पे, तब भी हमारे साथ जाके मतलब मेरे साथ जाके तब मैं फिर मैं गौरव भाई जाते थे, पहले खुद अटेंड करने आई प्रेयर 11 साल से इस्तेमाल था, और 6 साल से लगभग इनको एंग्जाइटी अटैक आती थी, डिप्रेशन था कि फादर के साथ ऐसा कैसे हो गया, इसकी वजह से ये भी डिप्रेशन में चले गए थे, इनका भाई भी डिप्रेशन में चला गया, फर्स्ट पेयर में आए इनका डिप्रेशन जाना शुरू हो गया।
जो है अस्थमा भी जो है एक दो महीने में अस्थमा भी इनका गायब हो गया। हल्लेलुया। और इतना बड़ा जो दवाइयों का डब्बा है, ये महीने की जो है दवाइयां लेते थे, अभी जिसमें हम आपका एनॉइंटिंग ऑयल रखते हैं, ये डब्बा, ये अलीजा मैम का यही वाला डब्बा है जो जिसमें ये दवाइयां महीने की रखती थी। कितना बड़ा डब्बा है ना, देख रहे हैं आप, ये अलीजा मैम का डब्बा है जिसमें ये दवाइयां रखती थी। होलसेल से जो है दवाइयां लाती थी, 7-8 हज़ार रुपये की महीने की दवाइयां लाती थी। कहते मेरे पूरे महीने की दवाई आ गई मैम थी, वो हर महीने वो 7-8 हज़ार रुपये की महीने की दवाइयां खाती थी। दवाइयां क्या करती, अंदर से हमको गला देती हैं और ज़्यादा इंसान कमजोर होता है अंदर। और जब प्रेयर में आने लगी, चर्च में आने लगी, पहले तो वो स्लम पे लड़ो के दवाइयाँ देती थी लेडीज कि हमारी शुगर ठीक हो गई, हमारी टीबी ठीक हो गई। वहाँ पे तीन, एक परिवार में तीन जनों को टीबी थी, तो वो अभी रिसेंटली गवाही आई थी। तो इनको क्या लगा, 5-6 गवाहियों ने देखी, ये कैसे ठीक हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, प्रार्थना तो हम भी करते हैं, दुआ तो हम भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हमारे तो नहीं ऐसी सुनी जाती बातें। इनको ऐसे हुआ कि पैसे देकर ना 100-100 रुपये पकड़ाए उन्हें 5-6 लोगों को और बोला वो कि खड़े होके बताओ, ठीक है, प्रभु मसीह के नाम की महिमा हो। ये नहीं पता पैसे देती नहीं, पास्टर लेते हैं, पास्टर कहते लाओ स्पेशल सीट, वो फिर काम होगी। हल्लेलुया, प्रभु मसीह के नाम की। फिर उसके बाद अगली प्रेयर में कहते कितना पैसा इनके पास, हर किसी को पैसे देते रहते हैं, कितने दिन समझ रहे। फिर एक टाइम बाद ना शैतान चला गया, वो बात इनके दिमाग में डालनी बंद कर दी शैतान ने। हल्लेलुया। फिर इनकी मदर आई साथ में, उनको अर्थराइटिस था 12 साल से, तो उन्होंने कहा कि वाकई में यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो अर्थराइटिस मेरा चला जाए, किसी को नहीं बताया, प्रेयर में बैठी, अर्थराइटिस चला जाए मेरा यीशु मसीह के नाम से। 3-4 हफ्ते बाद बताया इनकी मम्मी ने, मतलब 1-1.5 महीना क्रॉस हो गया होगा, कि जब से मैं प्रेयर में गई हूँ उस दिन से मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ अर्थराइटिस का, मेरे को मेरा अर्थराइटिस ठीक हुआ के नाम की। और कितना देखोगे, आंखें खोलो अपनी आत्मिक आंखें, अपने आत्मिक कानों को खोलो, और कितना देखोगे। उसके बाद इनके फादर को लाना शुरू किया, कैब करके आते थे, जिनके लोग लक्ष्मीनगर से आते थे चर्च, यहाँ पे प्रेयर में आने लगी छोटी, जब सबसे पहले वाली जगह थी स्लम्स के पास, छोटी सी जगह ली थी मैं 40 गज की, एक सिख फैमिली की घर में, तो वहाँ पर जो है हमने जो है उस जगह पे सेवा की। तो वहाँ पे इनके फादर को बोला गया कि आप बस 3-4 महीने लगातार आ जाओ, ठीक हो जाओ। इनके फादर 2 महीने में चलने फिरने लगे थे। पहली बार में जब गए तो मैं बुलेट लेके गया था, तो इनके भाई ने कहा पादरी है बुलेट पे है, बड़ा इंप्रेस हो गया, बहुत इंप्रेस हो गया। तो लेकिन मिला नहीं कभी, बात नहीं की कभी। जब भी इनके घर 1-2 बार में प्रेयर करने आया, तो पहली बार जब प्रेयर की तो इनके फादर का जो हाथ चिपका हुआ था वो खुल गया यीशु मसीह के नाम। उसके बाद जो है इनकी मदर और फादर और पास्टर लीजा ये विश्वास में आने लग गए। अब जो है भाई भी ऑफरिंग भेजता है, कुछ दिन से भाई भी ऑफरिंग भेजता अपना, जब वो भी विश्वास में आ गए, मिला नहीं लेकिन वो भी विश्वास करने लगा प्रभु मसीह के नाम से। 6 साल लगे हैं लेकिन अब वो विश्वास करने लगा प्रभु मसीह के नाम से। फिर पास्टर लीजा का अभिषेक हुआ, 2-3 महीने बाद पास्टर लीजा का अभिषेक हो गया, फिर दोबारा अभिषेक, 5-6 बार पास्टर लीजा जो है अभिषेक हो चुका है। अब पहले वो लीडर बने, फिर सीनियर लीडर बने, फिर असिस्टेंट पास्टर बने, फिर पास्टर बने, 2 साल इनको हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं पास्टर बने हुए। हल्लेलुया, यीशु मसीह के नाम की। उनके फादर जो जिनकी प्रैक्टिस छूट गई थी, 6 साल जिनकी प्रैक्टिस को छूटे हो गए थे, अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। हल्लेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हल्लेलुया, बताइए जो काम नहीं हो सकते थे वो होने लग गए हैं प्रभु मसीह के नाम से, तो क्या आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? तो हमें फैक्ट्स को पकड़ के रखना चाहिए। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपने एक डायरी बनानी है, जो डायरी बनाएगा वो सुरक्षित रहेगा। आपको एक डायरी बनानी है, प्रेयर एंड टेस्टिमनी, प्रेयर एंड टेस्टिमनी डायरी, उसमें आपने अपने प्रेयर पॉइंट्स लिखने हैं, उसमें आपने अपनी टेस्टिमनी सारी लिखनी है। अब मैं पूछना शुरू करूंगा, जो भी मेरे पास मिलने आएगा सबसे पहले मैं उससे यही बोलूंगा, लाओ अपनी प्रेयर और टेस्टिमनी डायरी दिखाओ। अगली बार जो भी मेरे से मिलने आएगा वो बिना अपनी प्रेयर एंड टेस्टिमनी डायरी लिए बिना नहीं आएगा मेरे पास। अगर किसी को फोन पे प्रेयर करानी है तो मैं पहले यही पूछूंगा कि आपकी प्रेयर एंड टेस्टिमनी डायरी है या नहीं है। है तो प्रेयर होगी, नहीं है तो नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पुर्मियों में से हो, चाहे बच्चों में से हो, पुर्मियों ने कहीं लिख लिया डायरी अपनी डायरी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपकी आपकी बढ़ोतरी हो, आपके आपकी जीवन की बढ़ोतरी हो, मजबूती है प्रभु मसीह के नाम की। मैं माहौल लिया और यहाँ पर जो है
यरूशलेम के लोगों ने, जिनको व्यवस्था ज्यादा नहीं पता थी, उन्होंने विश्वास कर लिया। याजकों ने, यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। अभी बीते दिनों में भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि पास्टर जी जो है ना, जय मसीह के जवाब नहीं देते, इसलिए हम चर्च नहीं आएंगे। बताओ शैतान ने कैसा दिमाग में डाला है, कैसा भावना डाला शैतान ने। जिसके काम बुरे होंगे उसको छींक भी आएगी ना पड़ोसी की, वो कहेगा मैं चर्च नहीं आऊंगा। कोई उपवासी भी दे रहा हूँ ना, वो कहेगा उपवासी ले ली, मैं चर्च नहीं आऊंगा। शैतान के भटकाने में आराम से आ रहा है, इसका मतलब उसके काम बुरे हैं, इसलिए वो ऐसे भावनों की वजह से नहीं आ रहा। कितने दिन समय दें यीशु मसीह के नाम की। जब अभी कोविड फैल गया था, तो कोविड के समय में लोग प्रिकॉशंस इस्तेमाल कर रहे थे, और इन दिनों नहीं कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं? जब कोविड फैला था तभी प्रिकॉशंस लेने थे या इन दिनों भी लेने चाहिए? बताइए खुल के बताइए। जब कोविड फैल रहा था तभी प्रिकॉशंस लेना चाहिए ना, क्योंकि वायरस फैल रहा था, बीमारी का वायरस फैल रहा था। अभी स्पिरिचुअल बीमारी का वायरस फैल रहा है, पास्टर जी जेमसी का जवाब देते हैं चर्च में, तो ऐसी बात आपके साथ ना हो जाएगी। और वो तभी हो सकता है कि जब काम किसी के बुरे हो जाएंगे, फिर उसको शैतान की आवाज सुनाई देती है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, और ये आपको होमवर्क जो है आपने करना है आज ही 50 रुपए की, 100 रुपए की, जितनी अच्छी क्वालिटी लेना चाहो ले लो। आपने डायरी आपने बनानी है, उसमें अपना लिखना है प्रेयर पॉइंट्स, यानी कि प्रेयर पॉइंट्स जितने भी आपकी प्रार्थना का विषय है, प्रेयर पॉइंट्स एंड टेस्टिमनीज आपको डायरी बनानी है। पर्सनल रहेगी वो आपकी अकेले की रहेगी। लिख लीजिए, व्हाट्सएप पे सेव कर लीजिए, शैतान इस बात को भुला ना दे आपके दिमाग से।